नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने साई कोचिंग सेंटर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा लेक्चर है वो बेस्ड है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स से, जिसमें से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है नॉर्मली जब क्वेश्चन पेपर आसान सा बनाया जाता है, तो वो है यूक्लिड एल्गोरिथम। उसमें वो बेस्ड है सीधा डिवीज़न पे, जैसा कि हमने करना सीखा हुआ है। अगर हमें 9 को डिवाइड करना है 2 से, तो कैसे किया जाएगा? 2 4 8, जो रिमाइंडर रहा वो रहा 1। तो इसी पे बेस्ड है हमारा यूक्लिड। इसमें क्या होगा, जो 9 है उसको कंसिडर किया जाएगा एज ए, जिससे डिवाइड किया गया है जिसको हम डिविज़र बोलते हैं वो होगा हमारा बी। जो आंसर आया है वो होगा हमारा क्यू, एंड द रिमाइंडर विल बी कंसिडर्ड एज आर सिमिलरली। तो यहाँ से फॉर्मूला कैसे बनता है, 9 इज़ इक्वल टू 2 × 4 + 1। तो यूक्लिड ने बताया कि ए इक्वल्स टू 2 जो कि बी है, 4 जो कि क्यू है, प्लस आर। ऐसे इन्होंने एक बात और बताई, इनकी कंडीशन क्या थी। कंडीशन ये थी कि जो आर की वैल्यू है, आर आपका बड़ा होगा नंबर में और नंबर जोड़ा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर 6Q जो कि एक इवन नंबर है, उसमें अगर इवन नंबर जोड़ा जाए तो द नंबर विल बी इवन, तो नंबर इवन ही बनेगा। और अगर उसमें ऑड नंबर जोड़ा जाए तो वो ऑड बन के ही निकलेगा। तो यहाँ से देखिए कि 6Q जो कि एक इवन नंबर है, उसमें हम 0 जोड़ रहे हैं जो कि एक इवन नंबर है। इसी तरह 6Q जो कि एक इवन नंबर है, उसमें इवन नंबर जोड़ा गया। 6Q जो कि एक इवन नंबर है, उसमें 4 इवन नंबर जोड़ा गया। तो ये चीज़ें, ये नंबर्स हमारे इवन पॉजिटिव नंबर्स हुए। तो दीज आर आवर इवन पॉजिटिव नंबर। तो इनको हटा देते हैं यहाँ से, तो जो बच गए वो ऑब्वियसली हमारे ऑड नंबर्स बन गए, और यही शो करना था। तो ये चीज़ आपको इस तरह से लिखनी पड़ेगी, तब ये प्रूफ हो पाएगा। तो अब इस 1.1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया है वो है आपके 4th और 5th, जिनमें कहता है कि आप हमें ये बताइए कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड से शो कीजिए। यूक्लिड लेमा मेथड से आपको शो करना है कि स्क्वेयर किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वेयर अगर आप करने चलते हो, तो वो हमेशा आपको या तो 3m और या फिर 3m+1 की फॉर्म में नज़र आएगा, जबकि m एक कोई भी इंटीजर या नंबर हो सकता है। ये बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि m आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, जिसको आप सॉल्व करके शो करोगे तो m आपका नंबर बन सकता है कोई भी। तो कहता है, तो हम यहीं से उठा लेते हैं कि 3m और हमारे पास में यूक्लिड ने बताया कि a इज इक्वल टू bq+r। तो यहाँ से हम b को कंपेयर करें
तो बी की वैल्यू आ जाती है 3। ये जो नंबर है ये 3 का मल्टीपल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो हम 3 ले लेते हैं। तो कंडीशन कहती है कि r जो कि 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, और यहाँ पे हमारा b है 3, तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाती हैं 0, 1, 2, 3 नहीं होगी। तो ध्यान रहे आप r को 3 नहीं लिखेंगे। तो हम नंबर लिख लेते हैं पहला 3q प्लस 0, क्योंकि r 0 हो सकता है। दूसरा नंबर 3q प्लस 1, अगला नंबर 3q प्लस 2। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कहता है कि किसी भी नंबर का स्क्वेयर हमेशा आपको 3m या 3m प्लस 1 की टर्म में मिलेगा। तो हम स्क्वेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम चलते हैं, तो हमने स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयर करने पे ये आया 9q स्क्वेयर, और जैसा कि हमें शो करना है 3m में, तो हम इसको 3 का मल्टीपल बनाते हैं। ये बन जाएगा 3 3 9 q स्क्वेयर। और मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में ही बताया था कि m कोई भी इंटीजर बन सकता है, कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो -20 हो, +20 हो, कुछ भी आए सॉल्व होके आप उसको m लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर q की वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, स्क्वेयर होके 3 से मल्टीप्लाई होके जो भी नंबर आएगा, आप उसको इंटीजर की फॉर्म में दिखाएंगे। और इंटीजर हमने माना हुआ है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि m है, m देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको m लिख सकते हैं, 3q स्क्वेयर इक्वल्स टू m। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि हाँ इट विल बी और इट कैन बी इन द टर्म्स ऑफ दिस। अब इसी तरह हम 3q प्लस 1 को करेंगे, इसका स्क्वेयर करें। इसका स्क्वेयर का फॉर्मूला हो जाएगा, भाई देखिए थोड़ा सा खोल के बताना ज़रूरी है, क्योंकि ऑल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर ऑन स्टडी। ए प्लस बी का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो मतलब पहले वाले का स्क्वेयर, 3q का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर प्लस 2 into ab, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे और इससे, 3 स्क्वेयर 9q स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, 2 3 6 6 क्यू। अब आप देखिए किस किस चीज़ में से कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो हम इन दोनों को पास लिख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, इन दोनों में से 3 को मना सकता है, आ तो सकता है क्यों भी, पर हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें 3 को दिखाना है। तो यहाँ पे बच गया 3q स्क्वेयर, और यहाँ पे बच जाएगा 6 में से 3 बार आएगा तो 2q, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वही बात आ गई, ये भी एक सॉल्व होके कुछ ना कुछ पॉजिटिव या इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर बनेगा, तो हम इसको भी क्या लिख लेंगे, m। तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1, तो ये बात भी सही है कि ये हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब अगला जो है वो ये है, इसको करते हैं 3q प्लस 2k स्क्वेयर को शो करेंगे, तो इसका हो जाएगा 9। फॉर्मूला वही दोस्तों जो ऊपर लगाया है वही लगाना है, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर डायरेक्ट कर दिया है, 2 2 4, 2ab 2 की मल्टीप्लाई 3q से और मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वेयर प्लस 4, 2 3 6 6 2 12 12q, ठीक है।
अच्छा जी, तो अब देखिएगा इसको हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया 9q2, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाया है, आगे पीछे लिख लिया डिग्री के हिसाब से। अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन तीनों में से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो हम क्या करते हैं इस 4 को स्प्लिट कर लेते हैं 3+1, 9q2 +12q। अब देखिए क्या इन तीनों में से कॉमन आ सकता है, हाँ इन तीनों में से 3 कॉमन आ सकता है, तो इसके लिख लेंगे 3q2 +4q +1 और भी बाद में +1। अब ये चीज़ भी सॉल्व होके कोई ना कोई नंबर बनेगी, इंटीजर या तो पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव, तो इसको भी मैं m मान सकता हूँ। तो ये बात फिर से वही रही कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये हो या ये और भी हो, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यही है, इन तीनों का अगर मैंने स्क्वेयर किया तो ये नंबर हमेशा इस फॉर्म में ही मिल रहा है, तो ये यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाती है। अच्छा दोस्तों, इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जिसमें थोड़ा सा अलग किया गया है कि उसमें कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब, तो ये पावर 3 है यहाँ पे, उसमें कहेगा कि आपको वो नंबर शो करना है 9m, 9m +1 और 9m +8, ठीक है। तो आप जैसे मैंने इसको 3m में करना था तो b को मैंने 3 मान लिया था, आप वहाँ पे b को 9 मानेंगे तो r की वैल्यू बहुत ज़्यादा चली जाएगी 0 से लेके 8 तक, तो ये करके दिखाना होगा जो कि बहुत समय ले लेगा, इसलिए आप 9 ना लेते हुए उस क्वेश्चन में 9 का मल्टीपल लें जो कि 3 है, तो 3 लेंगे तो केवल 3 वैल्यू आएंगी, उनका इसी तरह से करना है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, वहाँ पे क्यूब का लगाना है, और जो भी चीज़ बने आपको 9 को बाहर लेके उस पूरी चीज़ को m मान लेना है, तो इसी तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसे भी सॉल्व करके शो कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, इसी तरह मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, और आपका अगर कमेंट अच्छे मिले तो इसमें बढ़ावा होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।